दंतेवाड़ा की ओर जहां 42 जवानों के हत्या में शामिल नक्सली दंपति ने सरेंडर कर दिया है। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अब तक 130 इनामी समेत 539 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके। आपको बता दें कि डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी सिद्धार्थ तिवारी के सामने उन्होंने सरेंडर किया है। ये वो नक्सली दंपति जिन्होंने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि 42 जवानों की हत्या में ये नक्सली दंपति शामिल था। नक्सल दंपति जो कि नक्सल संगठन में कार्यरत, उनके ऊपर कुल 7 लाख का इनाम घोषित है शासन के द्वारा। ये दोनों मिलिट्री प्लेटून 24 के सदस्य हैं और विगत सालों में चाहे वो बुरकापाल की घटना हो, चाहे वो मेलावाड़ा का ब्लास्ट हो, या श्यामगिरी में जो 2014 में घटना हुई थी, सभी बड़ी घटनाओं में ये लोग शामिल रहे हैं। और अच्छी बात है कि ये लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर, छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में जुड़ने का इन्होंने निर्णय लिया। अपने भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि इनका आगे का जीवन शांतिमय हो सके। अभी तक हमने पूछताछ करी, उसके अंदर लगभग 40 से अधिक जवानों की शहादत में जो घटनाएं हुई हैं उसके अंदर ये लोग मतलब रहे हैं। और अभी तक लोन वराटू अभियान में लगभग 539 लोगों ने सरेंडर किया, इसमें 130 इनामी नक्सली थी।